आप सभी को नमस्कार। एमईए सर्विसेज अजमेर राजस्थान से मैं आलोक सिंह सिसोदिया। बहुत दिनों से हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग दिन भर में 5 से 6 CM का, हो सकता है उससे ज्यादा का भी काम करते हो। व्यस्तता इतनी रहती है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाता, लेकिन मेरे को ये वीडियो इसलिए डालना पड़ रहा है। उसके दो रीजन है। कस्टमर का ये ECM था, हमारे पास जो ECM आते हैं जो ठीक होते हैं उन्हें तो हम वापस रिटर्न कर देते हैं। उन कस्टमरों की पूरी लिस्ट है हमारे पास कि जिन लोगों से हमने कुछ पैसा ही नहीं लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चेकिंग चार्ज नहीं है। अगर आपका ECM सही होगा तो हम सही बोल के देंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि आगे जाके कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो MES जो काम करता है होल एंड सोल कस्टमर बेसिस पे ही काम करता है कि कस्टमर का क्या क्राइटेरिया रहा होगा व्हीकल का। अब अधिकतर क्या होता है कि हर व्यक्ति ये नहीं बता पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ऐसी एक भागलपुर से ये कस्टमर है 7.24 जिन्होंने मेरे को भेजा था। अब आप इसकी हालत देखेंगे, हमने इसको पूरा ओपन करा, तो ओपन करा ऑब्वियसली इसमें सीलेंट वगैरह सब कुछ वापस लगेगी, एक तरीके से कंपनी फिटेड वापस काम होगा। एक्चुअली MES जाना जाता है कार ECM और ट्रक ECM के लिए, स्पेशली ट्रक और हैवी मशीनरी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं काम करने के लिए। ये ट्रक का है, 1918 ट्रक का है ये। इसका जो अंदर की PCB प्लेट है वो ये है, ये भी पूरी ब्रेकेज हुई है, क्योंकि खोलते हुए ये पूरी हम जिस तरीके से निकालते हैं ये पूरी फिट एंड फाइन ब्रेकेज निकलती है। जब हम इस ECM को रिपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो पीछे वाला पार्ट भी ऐसे है, लेकिन मैं जब इसका शॉट डालूंगा इसी ECM का तो इसमें कोई दिक्कत नहीं निकलेगी। उसके लिए मैं एक प्रूफ दे देता हूँ। कपलर पे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 420-22-06-32। इसी ECM को मैं पैक करके जब बताने वाला हूँ शॉर्ट्स में, आप शॉर्ट्स पे अपडेट कर रहिएगा। काम का प्रोसीजर जो है वो हम तो पूरा तो दिखा नहीं सकते क्योंकि ड्यू टू इतना सारा काम रहता है। बट एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कस्टमरों को किस तरीके से भेजना होता है कहीं भी सामान। कस्टमर को DTC कोड पता होना चाहिए, पहले वाली प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम जब आई उस टाइम का ड्यूरेशन और उस टाइम पे क्या गतिविधि रही होगी व्हीकल की। आप एक बात समझिएगा, डॉक्टर भी पूछते ना कि पेशेंट कब से बीमार है, लास्ट टाइम क्या खाना खाया था। हम भी यहाँ सब कुछ पूछते हैं पहले, और कई सारी चीज़ों में जब हम लोग पूछते हैं तो हम लोगों को सॉल्यूशन भी दिखता है। हम लोगों को भी, हम कोई भगवान नहीं है। डायग्नोस्टिक का जो तरीका होता है उसमें लास्ट जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो चाहिए होता है कि लास्ट कब खराब हुआ था व्हीकल, क्या प्रॉब्लम रही थी, किस कंडीशन में रहा था। तो आप मेक श्योर हो के जहाँ भी भेजें DTC कोड क्लियर होना चाहिए, और DTC कोड मेरे से फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये DTC कोड आ रहा है, क्या ये ECM खराब है या व्हीकल में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ECM खराब है तो आप ECM हमारे यहाँ से रिपेयर करा सकते हैं। रिपेयरिंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं है हमारी, 1 मंथ की हमारी वारंटी रहती है। हम चाहे कार का करें या ट्रक का करें या कमर्शियल व्हीकल हैवी मशीनरी या फिर कॉकपिट का करें, तो कुल मिला के आप लोग हमारे पास भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा काम इंटरनेट बोल रहा है, ऑलरेडी इंटरनेट बोल रहा है कि हमने किस सेगमेंट पे काम कर रखा है। लेकिन क्या होता है, एक वीडियो देख के कोई जजमेंट नहीं निकाल सकता। मैं फिर कह रहा हूँ अगेन, प्रोसीजर पे आप चलेंगे तो आप ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं कहीं भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी ECM रिपेयर कराना है वो भेजें हमारे को, एक व्हाट्सएप पे भेज दें कि हमारे व्हीकल में ये प्रॉब्लम आ रही है 9414931581। तो आपका 7 से 8 घंटे में आपका पूरा रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि कई बार हम भी बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज देख नहीं पाते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका शॉर्ट जरूर देखिएगा, इसका रीपैक का जो शॉर्ट होगा, पैकिंग का जो शॉर्ट होगा वो जरूर देखिएगा।